بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تدخل الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أفشوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ رواه مسلم حضرت أنس رضي الله عنه سے رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم نے إرشاد فرمایا أُس ذات کی قسم जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि ईमान नहीं लाते और उस वक्त तक ईमान वाले बन नहीं सकते जब तक कि एक दूसरे से महब्बत नहीं करते क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ न बता दूँ जिसे तुम अगर अपना लो तो एक दूसरे से महब्बत करने लगोगे आपस में कसरत से सलाम करने को रिवाज दो हजरत गिरामी इस हदी पाक में हज़रत महम्मदालरसूल सल्ला वसम ने अहिल ईमान के अबदी फ़ायदे के अक्सर नुस्खे को कसम खाकर बयान फरमाया है आपकी आदत मुबारक ये थी कि जब भी आप सहय के नाम से कोई नहायत ही अहम बात इरशाद फरमाने वाले होते तो ऐसे ही अल्फाज में कसम खाते हम सब इस बात को बखूबी समझते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम किसी बात को बयान करते हुए कसम खाएँ तो उसकी अहमियत दो चंद हो जाती है और ज़रूरी हो जाता है कि मुसलमान उसकी तरफ कान धरे और जान से उस पर अमल पैरा हो यहाँ पर पहली बात ये इर्शाद फरमाई गई है कि लात खुलन्नत हताू यानी जब तक तुम ईमान नहीं लाओगे जन्नत में दाखिल नहीं होगे जन्नत क्या है जन्नत अबदी और लाजवाल नेमतों का घर है फलदार बागों और बहती नहरों का घर है आलीशान महल्लात और अजीम शान हवेलियों का घर है इंसान की सारी ख्वाहिशों और आर्जुओं की तकमील का घर है इस घर में दीदार इलाही की सबसे बड़ी नेमत मयसर आएगी अल्लाह इज्जत इसका बनाने वाला और वही इसका मालिक है उसी मालिक ने इस घर के दाखिले के लिए ईमान का होना ज़रूरी करार दिया है ईमान होगा तो दाखला होगा ईमान नहीं होगा तो दाखला तो कुजा उसकी खुशबू भी नसीब ना होगी हालांकि उसकी खुशबू एक हदीस के मुताबिक 500 सौ साल की मसाफत से मसाम जान को मअतर कर देगी ईमान बाहर एक बोल है जब वो ज़ुबान के इकरार और दिल की तस्दीक के साथ निकलता है तो जन्नत के टिकट की सूरत में इंसान को हासिल हो जाता है वह बोल है ला अला महम्मदरसूल्ला और ये दो अज्जा पर मुश्तमिल है पहला जुज यानी ला अला हर जमाने में एक रहा है अलबत् दूसरा जुज हर नबी के नाम के साथ बदलता रहा है अब इस बेश बहा और कीमती टिकट के तहफ़ के लिए अल्लाह इज़्ज़त ने इसके इर्द गिर्द नेक आमाल का एक मजबूत हिसार कायम कर दिया है इस हदीस में उन आमाल में एक का तस्करा किया गया है जिसका ताल्लुक़ हकूक़ल इबाद और हमारी माशरती ज़िंदगी से है जिसे ताक़द के साथ यूँ बयान फरमाया गया कि वला तो मनोहता हा अबू यानी यह बात तो बड़ी पुख्ता है कि तुम कामिल ईमान वाले हो नहीं सकते जब तक कि एक दूसरे से महब्बत नहीं करते इससे पता चलता है कि हमारा दीन कोई रूखा फीका दीन नहीं बल्कि बड़ी जासबियत और कशिश वाला दिन है तनहियों और आइसोलेशन से बचाने वाला दिन है महब्बत अगरचे एक एहसास और कैफियत का नाम है जिसका ताल्लुक इंसान के दिल से है ताहम इसके इजहार के लिए एक मौसर तरीन तरीक़े की वजाहत निहायत ही दिल नशीन पराया अंदाज में की गई है फरमाया है अवला अदुलकुम अला शईन अदाफाल तुमो होताहाब तुम क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बता दूँ कि जब तुम उसे अपना लो तो एक दूसरे से महब्बत करने लगोगे गोया यह हर साहेब ईमान की दिली आरजू है कि उसे ऐसा नुस्खा हाथ आ जाए कि जिसकी वजह से कदूरतें धुल जाएँ और सारे मुसलमान बाहम शिर हो जाए फरमाया वो नुस्खा ये है अफशुलसलाम अबई नकुम यानी आपस में सलाम करने को खूब खूब रिवाज दो गौर फरमाइए कि कितना आसान और हर आन दस्तियाब होने वाला नुस्खा है गरीब अमीर छोटा और बड़ा सब इससे फैजयाब हो सकते हैं कोई मेहनत कोई पैसा और कोई बड़ा वक्त इस पर सर्फ नहीं होता एक को कहना है वालेकुम और दूसरे मुसलमान को जवाब में कहना है वाहकुम सज़ाहिर इस छोटे से अमल से सलाम की तकमील हो जाती है इससे मोहब्बत के दरीचे वाह होते हैं जिनसे गुजर कर मुसलमान ईमान की शाहराह पर पहुँच जाता है मोहतरम साम जरा सोचिए कि किस तरह एक छोटा सा नेक अमल इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है बिल्कुल उसी तरह जैसे आप घुप अंधेरे में बरकी कुमकुमे का स्विच बटन ऑन कर दें या बंद कंप्यूटर को सिर्फ एक क्लिक से चालू कर दें फिर क्या होता है कि दूसरे ही लम्हे एक दुनिया आपके सामने होती है यही मामला एक दूसरे को सलाम करने का है कुरान हकीम में है कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उससे बेहतर अंदाज में इसका जवाब दो या फिर वही अल्फाज ही दोहरा दो एक और मकाम पर इर्शाद गिरामी है कि जब तुम अपने घरों में दाखिल हो और घर में कोई भी ना हो तो अपने आप को भी सलाम करो यानी कहो असलम अलई ना हम पे सलामती हो से मुबारक में इसकी ताक़द भी है और तफसील भी जिससे मालूम होता है कि सलाम करना इस्लामी सोसाइटी का शार भी है दुआ भी और पैगाम अमन भी हज़रत रसूल अक्रम सम ने फरमाया अगर एक दफ़ा सलाम करने के बाद दो मुसलमानों के दरमियान दरख्त या दीवार भी हायल हो जाए और दोबारा मुलाकात हो जाए तो भी एक दूसरे को सलाम करें क्योंकि ये दुआ है कि तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो या ये पैगाम है कि आप मेरी तरफ से मुतमैन रहें मैं आपके लिए सरापा सलामती हूँ इसके जवाब में दूसरा मुसलमान भी इन्हीं जज्बा का इजहार करता है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्ला से नकल किया है कि रसूल सल्लाम ने इर्शाद फरमाया सवार पैदल को चलने वाला बैठे हुए को थोड़े लोग ज्यादा को और एक रिवायत में है कि छोटा बड़े को पहले सलाम करे बच्चों की तरबियत के लिए आ हज़रत सल्लास उन्हें भी सलाम किया करते थे कोई सलाम करे तो ज़रूरी है कि उसका जवाब दिया जाए रसूल सल्लाम ने फरमाया जो शख्स सलाम का जवाब न दे उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है बहुत से लोगों में से कोई एक भी जवाब दे देगा तो सब की तरफ से अदा तो हो जाएगा मगर अजर सवाब का मुस्तहिक वही एक शख्स होगा हो सलाम के साथ मुनासिब मौका पर मुसाफा करना भी मशनू अमल है मुसाफा करने वाले दोनों मुसलमानों को गुनाहों की बख्शिश की बिशारत दी गई है एक अहम बात जरूर जहन में रखिए कि लफ्ज असलम का तलफ यानी उसका प्रोनाउंसेशन बिल्कुल वाज होना चाहिए कहीं जल्दी में सलाम की बजाय साम ना हो जाए और साम के माने मौत के होते हैं इस सूरत में यह दुआ की बजाय बद दुआ हो जाएगी गुफ्तु के आखिर में यह गोश गुजार करना भी जरूरी है कि कुछ मौाक़े ऐसे हैं कि जहाँ सलाम करने से इजतनाब करना चाहिए मसला कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो कुरान पाक की तिलावत कर रहा हो कोई अजान कह रहा हो कोई वज़ू करने में मसरूफ़ हो कोई नहा रहा हो या खाना खा रहा हो इन तमाम सूरतों में सलाम नहीं करना चाहिए और अगर कोई सलाम कर दे तो जवाब देना ज़रूरी नहीं है इसी पर ही हम अपनी गुफ्तु का अख्तितम करते हैं असल वरहमत ला वक्त This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.